हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम भी बहुत अच्छे हैं और आज हम आए हैं यहाँ पे मंदिर में पूजा देखने के लिए। तो देखिए, यहाँ पे आज सोनी अमावस्या है, सब लोग जो है कि पूजा कर रहे हैं। हमारे बिहार के जो लोग हैं यहाँ पे चेन्नई में, तो चलिए आपको दिखाते हैं बैक कैमरे से कि कैसे पूजा हो रहा है यहाँ पे। और अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जो है कि आराध्या को देखिए गोदी में लेकर आए हैं और यहाँ पे पूजा हो रहा है। देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है कि कम से कम हमारे गांव का यहाँ पे संस्कृति जो है कि कितना अच्छा है, जो हर जगह जो है कि सभी औरतें इस तरीके से पूजा करती हैं। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और ये देखिए आराध्या सो रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी बेस्ट फ्रेंड है और हेलो कर रही है। ये देखिए दोस्तों, आराध्या अभी सो रही है। हमारी यहाँ पे नानी है, नानी से आप लोग को मिलवाते हैं। गाहा ये बेटा जी कि यहू बेरान हेरे रहा है रानी का, एकरा बाहर कर दो दिया पुता है ये ना उतर कॉल। तो देखे दोस्तों, नानी कितना अच्छा बात बोली है। बेटा जी, हम सात गो के पला लिया बेटा, और देवता भेजा का आयुषो न कह लिया ककरो कुछ न। तीन गो बेटी, चार गो बाबू, सबके ब्यार बियाह बाल बच्चा सब हो गलो बेटा जी। आज कना ये बतिया कहती बेटा, हमार बेटवा के बात हम न कह सब कोई बच्चा दिए बेटा। एक से बात ना करना, जितना ये मानता कर दो ना बेटा, जितना दिल ही मानता ना कर दो ना। वैसे भाग तक देर के रहा है बेटा। तो देखिए दोस्तों, नानी कितना अच्छा बात बोली है। हाँ, कि बेटी जो है कि सबसे ज्यादा करती है। हाँ, और लक्ष्मी होती है। हाँ, इनका कहने का पूरा यही मतलब है। थोड़ी के दिन हो तो बेटा, तब बेटियों के लगती कि माई हमार कैसे है, माई हमार कैसे। तो देखिए दोस्तों। हाँ बेटा, नानी के लिए लाइक करिएगा दोस्तों। हम तो माई के ना देख लियो बेटा जी की गोर की करिया, जरी के गोने चल गए फायदा कर दिले। तो देखिए दोस्तों, ये सबसे बड़ा दुख है जो नानी है अपनी माँ को भी नहीं देख पाई। माँ सिखावा लूर बुद्धि बेटा, कि ऐसे करी है बेटी पराया के घर में जाइए, ऐसे करी है कोई सिखाऊ वाला के सिखा। अपना तजुरे से करा ली बेटा कि सास के कैसे कराए, ससुर के कैसे। बाकी हम तो करवे के लिए बेटा जी, हम चार गोतनी हलियो रानी हमारे संगे बाबू जी माई कहल थे कि नहीं हमारे बेटी है। तो देखिए दोस्तों, अभी नानी के आंख में जो है कि आंसू आ गया है ये बात बोलते हुए। याद है और नानी पूरा सीरियस हो गई है। जिसकी माँ होती है ना दोस्तों, वही जानते हैं माँ का वैल्यू। और जिसकी नहीं होती है दोस्तों, देखिए वो क्या सबसे ज्यादा जानते हैं। जो माँ की याद है कहबो ये सब मैया के किए बेटी, तू तो हमारे गुआ ने बैठाई है, हम कहाँ बैठा ली बेटा, सोचते रह लियो। हाँ बेटी, अपन बात अपने केकरो जोड़े जाती हो, कोई माई करे बैठ जी तो हमारे आँख से जेल लो रही तो कि कौन से मैया के खोजियो। माता बेजा बोले बेटा। तो देखिए दोस्तों, नानी कितना सीरियस हो गई है। और जो माँ होंगे ना, वही इस दर्द को जो है कि समझ पाएंगे, जिसके पास माँ नहीं होगी। तो दोस्तों, क्या आप लोग के भी घर में ऐसी नानी है? देखिए कितने भाग वालों को जो है कि ऐसी नानी मिलती है। हमारी नानी तो घर पर है, लेकिन ये हमारी नानी से कम थोड़ी है। हाँ बेटा, तो कहा है ये भी बतवा बेटा जी, नाती नतनी के कि तोहनी के भाग हो तो नानी से भेंट कर, हम नानो नानी के न देखा लियो। बताइए दोस्तों, नानी का भाग कैसा है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जल छिड़क के इस तरीके से और सिंदूर लगाया जाता है। देखिए जितने बार जो है कि फेरा लगाएंगे, उतने बार सिंदूर से इस तरीके से देखिए टीका लगाया हुआ है लंबा सा। इसी तरीके से सभी औरतें जो है कि जितने बार फेरा लगाएंगी, उतने बार पेड़ में टीका करेंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है कि सभी औरतें इस तरीके से फेरा लगा रही हैं। जो भी मतलब जिसका जितना फेरा बाकी है, 108 फेरा किया जाता है। तो देखिए, फेरा लगाने के बाद इस तरीके से सिंदूर लगाया जाता है। जितना फेरा लगाते हैं, उस फेरे के हिसाब से 108 फेरा लगाएंगे तो 108 बार जो है कि सिंदूर भी लगाना होता है इस तरीके से। तो देखिए, यहाँ पे सभी औरतें जो है कि
इस तरीके से टीका लगा रही हैं और फेरा भी लगा रही हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आराध्या को एक आंटी लिए हैं। तो देखिए दोस्तों पूजा जो है पूरा संपन्न हो चुका है, अब यहाँ पे दिया जलाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स इसी तरीके से जो है कि सभी लोग यहाँ पे दिया दिखा रहे हैं, पूजा ख़त्म हो चुका है और आरती दिखाने के बाद में सभी लोग जो है कि एक दूसरे को सिंदूर लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों पूजा होते होते जो कि यहाँ पे बहुत लोग जो है कि आ चुके हैं पूजा करने के लिए, और जो पूजा नहीं कर रहे हैं देखिए साइड में बैठे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स पूजा जो है कि ख़त्म होने के बाद में इस तरीके से जल को घुमा घुमा के जो है कि गिराया जाता है। तो देखिए पूजा में जो है कि सभी औरतें इस तरीके से जल घुमा चुकी हैं, जो बाकी है वो देखिए घुमा रहे हैं इस तरीके से, और कुछ औरतें जो देखिए यहाँ पे पीछे फेरा भी लगा रहे हैं जिन लोग अभी आए हैं वो लोग। तो देखिए फ्रेंड्स अब जो है कि सभी औरतें इस तरीके से देखिए पेड़ को छू छू के जो है कि इस तरीके से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही हैं, पूजा कर रही हैं, और जो देखिए बाकी है वो लोग फेरा लगा रहे हैं। तो अब जो देखिए पूजा करने के बाद मैं इस तरीके से सभी जो है कि औरतें एक दूसरे को देखिए यहाँ पे इस तरीके से मांग में सिंदूर लगा रहे हैं, तो हमें भी लगाएंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और देखिएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सभी औरतें एक दूसरे को इस तरीके से पूरे मांग भर के जो है कि नाक के पास से पूरा देखिए माथे तक जो है कि इस तरीके से सिंदूर लगाया जाता है। ये सुहाग को जो है कि सुहाग के नाम पे लगाया जाता है, और ये देखिए आराध्या को हम लिए हैं, और यहाँ पे जो है कि हमें भी अभी लगाएंगे। तो देखिए आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो देखिए दोस्तों सभी जो है कि एक दूसरे को लगा दिए। अब ये आंटी जो है कि मुझे लगा रहे हैं, तो बोल रहे थे कि जो है कि इस साइड के दिशा में खड़े होने के लिए। तो देखिए मैं जो है कि खड़ी हूँ और आंटी जो है कि मुझे मांग में लगा दी थी, तो फिर पूछ रही हैं कि नाक से लगा दें, तो हम बोले कि लगा दीजिए। तो देखिए अभी आंटी जो है कि पूरे नाक के ऊपर से मुझे मांग तक जो है कि सिंदूर इस तरीके से लगा रही हैं। और आप लोग बताइएगा कि ये सिंदूर लगाने के बाद लुक कैसा लग रहा है मेरा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम पूरा लगवा लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो है कि मेरी दोस्त की सासू माँ है, और ये मेरी दोस्त जो है कि मुझे सिंदूर इस तरीके से लगा रही है। तो जो है कि हम मतलब किसी को नहीं लगाएं क्योंकि हम व्रत नहीं किए थे इसलिए, और सभी औरत जो है कि मुझे इस तरीके से सिंदूर लगाएं। देखिए आराध्या भी शामिल है पूजा में, भगवान शामिल है। तो दोस्तों पूजा जो है कि खत्म हो चुका है, अब हम घर जा रहे हैं। और देखिए आराध्या को लिए हैं, यहाँ पे अनामिका है, और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को ये पूजा वाला वीडियो कैसा लगा। हम तो करते नहीं हैं लेकिन जब भी हम भी करेंगे तो हम अपना भी शूट करके दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।